हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी टीचर। और आपको पता है कि मेरी प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें समझ ली हैं, ऑलमोस्ट कैसे कैसे क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में बताया था। मैंने उसके अलावा आपके साथ टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट? तो हम ये सारी चीज़ें अब फिर से पढ़ेंगे कि हम अब जो आज का मेरा मेन टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, कि जो स्पर्म है वो कैसे बनते हैं और जो स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये चीज़ें हमने दो आज पढ़नी है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्म की प्रोसेस जो है स्पर्म बनने की वो कैसे होती है, वहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, और जो स्पर्म है जो फाइनली बन के आता है मेच्योर स्पर्म, वो दिखाई कैसा देता है। तो ये दो चीज़ें हमारे आज की रहने वाली हैं। तो जिन बच्चों ने मेरा लास्ट का लेक्चर नहीं लिया है, प्लीज़ वो आप एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाइए और उसको एक बार देखिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मेरे लेक्चर आपको सारे बैक टू बैक मिल जाएंगे, जितने भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी, और इसकी एक प्लेलिस्ट भी मैं फाइनली आपके लिए बनाऊंगी जब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, ठीक है? तब मैं आपके लिए इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी। बट उससे पहले आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात की थी। तो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल था, आई टोल्ड यू, अगर जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि टेस्टीज होती हैं और टेस्टीज में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से लोब्यूल बनते हैं, और इन लोब्यूल को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इन लोब्यूल के अंदर आपको डक्ट जैसी हाईली कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इसका नंबर दो से एक से तीन हो सकता है, मिनिमम वन और मैक्सिमम तीन हो सकता है, ठीक है? तो ये थे। अब हमने जब सेमिनिफेरस टिब्यूल को थोड़ा सा जूम किया और इसको कट करके देखा, टेस्टिस को हमने ट्रांसवर सेक्शन में कट करके देखा, तो हमने पाया कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होंगे, सर्कुलर दिखाई देंगे, और इसके अंदर दो तरह की सेल्स दिखाई देंगी। एक थी सर्टोली सेल और दूसरी थी आपको जो छोटे वाली सेल्स दिख रही हैं, दीज आर द मेल जर्म सेल्स। जो आपके पास बड़ी सेल्स हैं वो है कोलामनर सेल्स, जिनको सर्टोली सेल, सस्टेंटा, सर्टोली सेल, नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल्स बोला जाता है। और जो छोटे वाली हैं ये हैं आपके पास जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है? और जो बड़े वाली सेल्स हैं ये होती हैं मॉडिफाइड कोलामनर एपिथीलियम, और जो छोटे वाली सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं दीज आर द मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन कि जो जर्म सेल्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, सो दे आर क्यूबॉइडल इन नेचर, क्लियर? अब हमने बात की थी कि अगर पूरा ये टेस्टिस है और इसमें ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल है और ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, तो जो इसके सराउंडिंग का टिश्यू है, जो ये वाला टिश्यू है जो वाइट कलर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला, इस टिश्यू को आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। और इस इंटरस्टीशियल स्पेस में आपको मिलती है लीडिंग सेल, या जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एक हॉर्मोन को सिक्रीट करना। इस हार्मोन का नाम होता है एंड्रोजन। ये मेल हार्मोन होता है और मेल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय लीडिंग सेल और इंटरस्टीशियल सेल। अब ये एंड्रोजन अंदर एंट्री करता है, अंदर एंट्री करता है क्योंकि ये भी क्या है, लिपिड इन नेचर है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की वो भी लिपिड की बनी हुई होती है, इसलिए वो एंट्री आराम से कर जाता है। लेकिन वो बाहर भी जा सकता है। उस चीज़ को रोकने के लिए जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं, जिसको बोलते हो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये प्रोटीन आपका टेस्टोस्टेरोन के साथ जाकर के बाइंड हो जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन जितना अंदर आ गया वो आ गया, लेकिन जो बाहर है, जो टेस्टोस्टेरोन अब अंदर आ चुका है वो अब बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, उसकी वजह से जो ये जर्म सेल्स हैं, जो आपको छोटे वाली सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनमें डिविज़न शुरू हो जाती है और बनती है एक पूरी प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है? तो देखो होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपके लिए रिपीट करूंगी ये चीज़ें। तो यहाँ से शुरू करते हैं, मुझे खाली पेज चाहिए बच्चों। एक्चुअली वी डोंट हैव खाली पेज, है ना? वी डोंट हैव खाली पेज। तो क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें बता दी हैं आपको। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ऐसे, ठीक
ठीक है, और बाकी की चीज़ें मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अब मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, वो आप इससे रिलेट करके समझना कि कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे होना क्या है, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, ग्रेट, और इसको हम कर देते हैं क्लियर। थोड़ा मज़ा भी आता है एक्चुअली ये चीज़ें करने में, है ना। तो चलो कोई नहीं, अभी हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो देखो होता क्या है, ये जो ये वाली मैंने आपको सेल्स बताई थी, ये जो जर्म सेल्स थी, जो छोटे वाली सेल्स थी ना, उनकी मैं बात करूँगी। तो हुआ क्या, जैसे ही मेल मैच्योर हुआ, यानी कि 11-12 साल का हुआ, प्यूबर्टी हिट हुई उसके पास, तो उस कंडीशन में जो ये जर्म सेल्स थी, ये वाली, ये जर्म सेल्स आपकी कैसी थी नेचर में, डिप्लॉयड इन नेचर थी। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास ऑलरेडी थे। तो ये हैं आपकी जर्मिनल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, जिनको मैं बोल रही हूँ जर्म सेल्स। ठीक है, नेचर कैसा है, 2N होता है। अब इन जर्म सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी, या एक तरीके से मान लो इसमें माइटोटिक डिवीज़न होती जा रही है, बहुत सारी डिवीज़न हो गई है, यानी कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नंबर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज़ आ रही है इसके पास, और इस मल्टीप्लिकेशन फेज़ की वजह से बहुत सारे क्या बन गई हैं, सेल्स बन गई हैं। इन सेल्स को हम बोलना शुरू कर देते हैं फाइनली स्पर्मेटोगोनिया, दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। अभी तक कहीं पर भी मैंने कोई भी मियोसिस डिवीज़न नहीं कराई है, इसीलिए ये भी क्या है, 2N रहेगा। अब इसी स्पर्मेटोगोनिया में से माइटोटिक डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, मतलब कि कुछ सेल्स बोलती हैं कि हम आगे जाएंगे, हम आगे डिवीज़न करेंगे, और कुछ सेल्स बोलती हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम स्टोर हो जाएंगे। तो कुछ सेल्स जो स्टोर हो जाएंगी उनको हम बोलेंगे टाइप ए, और जो कुछ सेल्स आगे जाएंगी उनको हम बोलते हैं टाइप बी। मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ टाइप बी को लेके चलूँगी, और उसमें से भी एक सेल को लेके चलूँगी, ठीक है। तो टाइप, बाकी सारी सेल सेम ही काम करती हैं। तो टाइप ए सेल्स क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, जब मेल के अंदर ओल्ड एज आती है तो उस टाइम पर ये डिवीज़न करती हैं और स्पर्म बनवाती हैं, क्योंकि आपको पता है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से शुरू होकर के उसकी डेथ तक परसिस्ट करती है, मतलब हमेशा रहती है। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में देयर इज़ अ फेज, दैट इज़ अ मेनार्के फेज, जहाँ से फीमेल की फर्टिलिटी शुरू होती है, और देयर इज़ अ मेनोपॉज स्टेज जो कि 40 से 50 साल पे आ जाती है, और उसके बाद वो फर्टाइल नहीं रहती है। तो फीमेल का केस अलग है, मेल का केस थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगी ये ओगोनिया, सॉरी स्टोर हो जाएंगी स्पर्मेटोगोनिया। एक्चुअली बच्चों आज मैं ना क्लास में कंटिन्यू ओगोनिया के बारे में पढ़ा के आई हूँ, तो मेरे माइंड से वही चीज़ आ रही है, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या है, स्टोर स्पर्मेटोगोनिया। अब टाइप टू की हम बात कर रहे हैं, तो जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप टू के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती हैं आगे डिवीज़न में जाने के लिए, उनको आप एक स्पेशल नाम देना शुरू कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या रहेगा, 2N ही रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अब हम इसमें करेंगे फेज, इसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेंगे। तो जब इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, यानी इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज, ठीक है। अब इस ग्रोथ फेज़ के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, जो 2N है, इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम मियोटिक डिवीज़न दिखाई। मियोटिक डिवीज़न में इसने मियोसिस 1 को परफॉर्म किया, और मियोसिस 1 को परफॉर्म जब कंप्लीट किया तो इसके पास 2 सेल्स आई, और ये दोनों सेल क्या थी, इन दोनों सेल का नाम रखा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि जो मियोसिस 1 होगी, या मियोसिस 1 कंप्लीट होती है जब, तो वो कैसी डिवीज़न होती है, दैट इज़ योर रिडक्शनल डिवीज़न। तो जो चीज़, जो क्रोमोसोम का सेट यहाँ पे डिप्लॉयड इन नेचर था, अब वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो गया है, एन और एन, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अगर यहाँ पे 46 था, अब वो यहाँ पर गैमेट्स में आ गया है 23 और 23, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 46 में वो था एक्स और वाई, अब जब वो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, 44 क्रोमोसोम थे, 44 ऑटोसोम थे, और एक एक्स और वाई था, है ना, तो टोटल 46 क्रोमोसोम थे। अब जब यहाँ पे 23 आए, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 22 प्लस एक्स आया होगा,
और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि 22+y आया होगा। अब अगर ये वाला गैमेट आगे फीमेल के पास जाता है तो बेबी बॉय बनेगा, और अगर ये वाला गैमेट फीमेल के पास आगे जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी गर्ल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली ये बन गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन हर एक सेल जो होती है वो क्या कंप्लीट करती है, अपनी मियोसिस टू कंप्लीट करती है। तो दोनों ही सेल्स में हुई मियोसिस टू। अब मियोसिस टू हुई तो इस सेल से भी दो सेल बनी और इस सेल से भी दो सेल बनी, मियोसिस टू कंप्लीट हो गई। लेकिन हम सबको पता है कि मियोसिस टू जो होती है वो इक्वेशनल डिवीज़न होती है, मतलब कोई भी क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, और ये क्या होती है, लाइक टू माइटोसिस, माइटोसिस की तरह ही होती है, लाइक टू माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस टू जब कंप्लीट हुई तो हमारे पास चार सेल्स आई, 1, 2, 3, 4, दो आई यहाँ से रेड वाले से और दो आई यहाँ से। चारों की प्लॉयडी लेवल क्या थी, एन 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 एन। ठीक है, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 23 23 23। अब देखो मियोसिस टू हो गया, इक्वेशनल डिवीज़न हो गई। अब ये जो बना है इसको हम बोलते हैं, स्पर्मेटिड। क्यों बोलते हैं स्पर्मेटिड, क्योंकि ये थोड़ा सा गोल होता है, शेप में सर्कुलर होता है, तो इसको आप बोलते हो स्पर्मेटिड। फिर आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि स्पर्मेटिड में गोल वाली कंडीशन नहीं चल सकती, क्योंकि इसको मूव करके जाना है, इसलिए इसके पास टेल होनी चाहिए। इसीलिए इसमें चेंज किया गया और स्पर्म को कुछ इस तरीके से बनाया गया जिसके पास इसके हेड और टेल होते हैं। ठीक, तो स्पर्मेटिड से फाइनली बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड थे, यहाँ से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसका मतलब शेप में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, डिफरेंशिएशन हुआ है, दैट इज नोन एज माइटोटिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोजोआ जो बन गई, स्पर्मियोजेनेसिस का एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है स्पर्मीटिलियोसिस, स्पर्मीटिलियोसिस। ठीक, अब ये जो स्पर्म स्पर्मेटोजोआ बन गए, ये सारे के सारे स्पर्मेटोजोआ जो होंगे ये इमेच्योर हैं, और ये जाकर के जो हमने बताया था इनिशियली कि जो ये सर्टोली सेल्स होती हैं, एक मिनट मुझे एक सेकंड दो, मैंने आपको बताया था कि जो ये सर्टोली सेल्स होती हैं, ओके थोड़ा तो विजिबल है अभी, तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये वाली, दीज सर्टोली सेल, अब जो स्पर्म बन गए वो सारे स्पर्म यहाँ पर आ गए हैं ना, यहाँ पर है, क्योंकि वो सारे स्पर्म यहाँ से बने और उन्होंने अपने हेड को कहाँ पे एम्बेडेड कर लिया, इसके सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड कर लिया इस तरीके से। अब सर्टोली सेल ने इनको न्यूट्रिशन दिया, और जैसे ही इनको न्यूट्रिशन दिया, न्यूट्रिशन देने के बाद, इनकी मैच्योरेशन के बाद, सर्टोली सेल से ये निकल के कहाँ आ जाते हैं, ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं, ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब ये कहाँ आते हैं, इनटू ल्यूमन। एक तो ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, और एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या ये ल्यूमन में आते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हो आप, या फिर ये जब टेस्टिस को लीव कर देते हैं स्पर्मेटोजोआ, टेस्टिस को ये लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं स्पर्मेटोजोआ, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो दोनों ही अगर आ जाएँ तो दोनों के लिए सेम वर्ड आएगा, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। चाहे तो ये सर्टोली सेल के हेड से निकल के ल्यूमन में आ जाए, या फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर निकल जाएं, तो दोनों ही प्रोसेस को आप बोलते हो स्पर्मिएशन। समझ में आई बात। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए जिसमें हमने देखा कि हमारे पास प्लॉयडी लेवल जो है वो एन ही आया है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म मिलेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए चार, चार स्पर्म आपको मिलने वाले हैं। कोई पूछे कि एक प्राइमरी, ओके, कोई आपसे पूछे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिलेंगे आपको, तो याद रखना एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी 2N से भी आपको चार स्पर्म मिलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिलेंगे, तो आंसर होना चाहिए टू, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से
दो स्पर्म मिलेंगे, ठीक है। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस, टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझ लो, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, क्लियर। दूसरा, स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, स्पर्मियोजेनेसिस हो या फिर स्पर्मिटिलियोसिस हो, दोनों का काम होता है स्पर्मेटिड टू, ये रहा स्पर्मेटिड टू स्पर्म, स्पर्मेटिड टू स्पर्म, ठीक है। और तीसरा हम बात करते हैं स्पर्मिएशन की। स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन इज बेसिकली जो आपके मेच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म है जब वो ल्यूमन को छोड़ देते, सॉरी ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल, सर्टोली सेल के हेड से बाहर निकल के ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं, या फिर वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव कर देते हैं, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आई होप ये समझ में आया होगा, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इस पूरी प्रोसेस को होने में करीबन 63 डेज का टाइम लगता है। और सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया थे जो जर्म सेल से बने थे, क्यूबॉइडल इन शेप थी, 2N था, इसमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ, ग्रोथ हुई, सॉरी मल्टीप्लीकेशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन के बाद बहुत सारी सेल्स बनी, कुछ सेल्स टाइप ए की थी जो स्टोर हो गई, उनमें से कुछ सेल टाइप बी की थी जो आगे प्रोसेस के लिए गई। फिर बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो 2N था, उसके बाद उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुई, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न जो कि रिडक्शनल होती है, तो इससे आपके पास बने एन और एन की दो सेल। अब इसको हमने बोलना शुरू किया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से क्या हुई, सेकेंड मियोटिक डिवीज़न हुई विच इज़ द इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न के बाद हर एक स्पर्मेटोसाइट ने, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था जो एन था, उसने आगे जा कर के सर्कुलर शेप दी, सर्कुलर शेप से एक स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करवाया। तो एक स्पर्मेटोसाइट ने, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने दो आपके पास क्या दिए, दो स्पर्मेटिड दिए। तो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने टोटल चार स्पर्मेटिड दिए। अब ये स्पर्मेटिड सर्कुलर इन शेप थे, इसमें हुआ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या फिर हम बोलते हैं स्पर्मिटिलियोसिस। और यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाद हेड एंड टेल वाला एक स्पर्म की स्ट्रक्चर आपके पास आ गई है, टेल मूवेबल होती है जिसकी वजह से स्पर्म जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर पाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला होता है इसके पास। अब ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं और एपिडिडाइमस के अंदर चले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो आई होप ये चीज़ें आपको सारी समझ में आई होंगी, किसकी प्लॉयडी क्या है, कहाँ से कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो अगर कोई आपसे सीरीज़ पूछ ले तो मैं आपके लिए एक सीरीज़ लिख देती हूँ, क्योंकि ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीरीज़ से रिलेटेड। तो हमेशा याद रखना सीरीज़ जो होती है वो इस तरीके से फॉलो करोगे। सबसे पहले होगी जर्म सेल, जर्म सेल के बाद आएगी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद आएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आएंगे स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, और फाइनली आपके पास आ जाएगा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। प्लॉयडी की अगर हम बात करें तो ये भी 2N, ये भी 2N, ये भी 2N, ये 1N, ये 1N और ये 1N, समझ में आ गया। तो ये पूरी प्रोसेस थी, बहुत इजी है। अब इसको थोड़ा सा आप डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ से भी समझ सकते हो कि जो स्पर्मेटोगोनियम है ये 2N है और इसमें दो तरीके की डिवीज़न, दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ। एक तो बन गए डॉर्मेंट स्पर्मेटोगोनिया, मतलब कि जो अभी काम नहीं करेंगे, इनएक्टिव होंगे, इनको हम टाइप ए बोल देते हैं। ये बाद में डिवीज़न करेंगे और बनाएंगे एक्टिव स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, एक्टिव स्पर्मेटोगोनियम। इसी तरह से जो आपके पास, मतलब इनका कहने का ये है कि स्पर्मेटोगोनियम थे, इसमें से एक बना आपका जो डॉर्मेंट थे, जो इनएक्टिव थे, वो बन गए आपके स्पर्मेटोगोनियम, डॉर्मेंट स्पर्मेटोगोनियम। इसमें से कुछ जो होंगे वो फिर से डिवाइड करेंगे और वो फिर से स्टोर हो जाएंगे, लेकिन उनमें से आगे एक एक सेल जो है वो आगे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगी डिवीज़न में, ठीक है। अब यहाँ से एक सेल में आपके कुछ सेल जो होंगे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो एक्टिव स्पर्मेटोगोनियम की तरह एक्ट करेंगे, जो 2N होगा उसमें माइटोसिस होगा, फिर बहुत सारे आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस वन होगी और क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में टाइम लगता है 15 से 17 दिन, मतलब इस चीज़ में। उसके बाद मियोसिस वन में फिर से 15 से 17 दिन लगते हैं और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसाइट्स जो है उससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स, जो कि मियोसिस टू की थ्रू बनेंगे, और जो आपका मियोसिस डिफ्रेंशिएशन होगा, माइटोटिक डिफ्रेंशिएशन होगा। एंड फाइनली स्पर्मेटिड में होंगे आपके पास थोड़े से चेंजेस। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि स्पर्मेटिड सर्कुलर था, उसके बाद टेल एंड हेड वाला आपके क्या आपके पास क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गए, और इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस और नॉर्मली स्पर्मीटेलियोसिस। तो ये पूरी प्रोसेस थी आपके पास जिसमें बहुत सारा टाइम लगा, 67 के डेज के अराउंड लगा। अब आ गया फाइनली स्पर्म। अब स्पर्म को समझो कि क्या होता है। तो देखो, स्पर्म को जब हम समझते हैं तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये वाली चीज़ अभी मत पढ़ना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था, 2N था, 2N से 2N बना, और फिर हर एक 2N ने 2N 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 चार चीज़ें दी। तो ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। ये हो गई स्पर्मेटोगोनियम विच इज़ मेंटेन बाय माइटोसिस। तो नॉर्मली क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि माइटोटिक डिवीज़न हुई, ग्रोथ फेज़ आई और मल्टीप्लिकेशन फेज़ आई और बहुत सारी सेल्स बनी। इनमें से कुछ का साइज़ इंक्रीज़ हुआ जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला गया, फिर उसमें रिडक्शनल डिवीज़न हुई, फिर एन और एन बना, और एन के बाद उसमें इक्वेशनल डिवीज़न हुई जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में से प्रोबेबिलिटी है कि एक के पास गए होंगे 22 प्लस एक्स और दूसरे के पास गया होगा 22 प्लस वाई, ठीक है। फिर इक्वेशनल डिवीज़न हुई, इक्वेशनल डिवीज़न के बाद बने स्पर्मेटिड विच वॉज सर्क्युलर इन नेचर। स्पर्मेटिड की स्ट्रक्चर देख लो, कुछ ऐसी होती है। स्पर्मेटिड जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। ये देखो स्फेरिकल है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और गोल्जी बॉडी होती है, साइड में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब यहाँ से स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस हुई जिसको हम स्पर्मेटिलियोसिस भी बोलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कौन से फैक्टर ने काम किया, यहाँ पे काम किया स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर ने, जो सर्टोली सेल से रिलीज़ हुआ था। मैंने वहाँ पे बताया भी था जब सर्टोली सेल की बात हुई थी, तो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर जो रिलीज़ हुआ है सर्टोली सेल से, उसने क्या किया, स्पर्मियोजेनेसिस को प्रमोट किया, और ये जो आपका सर्कुलर शेप का था ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरीके की स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा सा इलाबोरेट कर देती हूँ इसको। ओके, यस। अब देखो, जो ये स्पर्म है, इस स्पर्म में आपको तीन से चार पोर्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले ऊपर का पोर्शन है जिसको हम हेड बोलते हैं, मिडल पोर्शन को हम नेक बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को हेड बोलते हैं, जो कैसा है, फ्लैट है और ओवल है। नेक छोटी सी होती है, फिर मिडल पीस आता है, फिर फाइनली आपके पास टेल आती है, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ हम इसको बोलते हैं। पहले हेड रीजन को देखो, हेड रीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। पूरे स्पर्म पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी क्योंकि स्पर्म एक गैमेटिक स्ट्रक्चर है, एक सेल है, सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम कुछ नहीं है, ये गोल्जी बॉडीज जो हैं ये मॉडिफाई हो गई, इनको हम बोलना शुरू करते हैं एक्रोसोम, ठीक है। एक्रोसोम जो होता है वो आपका दो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, एक होता है एक्रोसोम की खुद की मेम्ब्रेन और एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस दोनों को मिला करके हम बोलते हैं ग्लिया कैप्टिस, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्लिया कैप्टिस, ठीक है। एक्रोसोम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्रोसोम में आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, एंजाइम मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो स्पर्म जब फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो क्या करता है, ये स्पर्म पेनिट्रेट करता है एग को, दिस इज़ द एग एंड ये स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है। एग के चारों तरफ लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर होती हैं, एग के चारों तरफ तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर की होती है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर की होती है जोना पेल्यूसिडा और सबसे अंदर की एग की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर की है उसके बीच बीच में भरा हुआ होता है हायलुरोनिक एसिड। तो बेसिकली जो स्पर्म गया, स्पर्म ने अपनी पॉइंटेड, ये स्पर्म की पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इस स्पर्म को, इस एग को क्या करना है, पेनिट्रेट करना है। तो जब ये एंट्री कर रहा है इसके पास, तो यहाँ पे
एक्रोसोम प्रेजेंट है। इस एक्रोसोम में तीन तरह के एंजाइम हम देखेंगे। एक होगा हायलुरोनिडेज, जो कोरोना रेडिएटा के बीच में हायलुरोनिक एसिड था उसको हटा देगा। उसके बाद एक होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कोरोना को पेनिट्रेट करेगा। फाइनली होगा जोना पेलुसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, या फिर हम उसको बोलते हैं जोना लाइसिन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्रोसिन। तो वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी और वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी कि एक्रोसोम क्या है। इट इज़ अ मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी है नहीं, बहुत सारी प्रोटीन बनवाई होगी, प्रोटीन मतलब एंजाइम बनवाए होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत एंजाइम रखता है, जैसे कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम रखेगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखेगा, हायलुरोनिडेज एंड प्रोटीनेज रखेगा। किस लिए रखता है? टू पेनिट्रेट इनटू एग वाया जोना पेल्यूसीडा। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में, इसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। इसके अंदर आपको, अगर ये स्पर्म जो है, स्पर्म तो आपके पास दोनों तरह के बनेंगे, 50% स्पर्म बनते हैं जिनके न्यूक्लियस में 22+X होता है, और 50% स्पर्म बनते हैं जिनके न्यूक्लियस में 22+Y होता है। तो मान लेते हैं कि एक ही पॉसिबिलिटी होगी एक टाइम पे, तो ये होगा 22+X मान लीजिए, है ना, इसके क्रोमोसोम में होंगे 22+X। अब हम नेक पीस की तरफ चलते हैं। तो नेक पीस में ध्यान से देखो, आपको दो सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे, एक तो ये पास वाला, एक दूर वाला। जो पास वाला है न्यूक्लियस के, इसको बोलोगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो दूर वाला है इसको बोलोगे डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और जो न्यूक्लियस होता है, ये पेनिट्रेशन के बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के एग को दे दिया जाता है, बाकी का पूरा स्पर्म बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं जाता। अंदर क्या जाता है? सिर्फ न्यूक्लियस जाता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाता है। मतलब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फीमेल को दे दिया जाता है, क्योंकि फीमेल के एग के पास खुद का कोई सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए जब डिविज़न करवानी होती है तो सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है ये डोनेट कर दिया जाता है फीमेल को। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल बेसिकली एक फिलामेंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, और ये पूरा फिलामेंट टेल से होता हुआ बाहर जाता है। इस एक्सियल फिलामेंट के अंदर जो अरेंजमेंट होती है, दैट इज़ द 9+2, एंड दिस इज़ द ओनली फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इन मेल बॉडी। ह्यूमन फीमेल के पास कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन जब ह्यूमन मेल की बात करते हैं तो मेल में स्पर्म इज द फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सेंटर में देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रही हैं स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, जो जिगजैग मैनर में आपको दिखाई दे रही हैं, इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पाइरली अरेंज है, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेबनकर्ण शीथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस इज़ अ पावर हाउस ऑफ स्पर्म, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन करना। सो दिस इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, एनर्जी सोर्स की तरह काम करती है, ताकि जो स्पर्म है वो मूव कर सके। कहाँ प्रेजेंट होती है? मिडल पीस में। बाकी जितना भी साइटोप्लाज्म बच गया, जो ड्राई साइटोप्लाज्म है, उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ करते हो, उसको हम बोलते हैं मैनचीट, शायद मैंने लिखा नहीं है कहीं पे। दैट ड्राई साइटोप्लाज्म इज नोन, ये लिखा, साइटोप्लाज्म इन फॉर्म ऑफ थिन शीट कॉल्ड एज मैनकीट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैनकीट। समझ में आई इतनी बात? आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, ये फिलामेंट निकल रहा है, और ये है टेल पोर्शन। टेल पोर्शन क्या करती है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करके अंडुलेटिंग मूवमेंट से जिगजैग मूवमेंट पे आते हैं, और ये फटाफट मूव करके कहाँ चले जाते हैं? फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जेनस रिंग भी होती है, जिसको हम रिंग सेंट्रियोल भी बोलते हैं। यहाँ पर एक और सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्पर्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये हेड ऑफ स्पर्म जो होता है, वो सेरेटोली सेल में एम्बेडेड रहता है। जैसे ही ये नरिशमेंट लेके मैच्योर हो जाते हैं, तो फाइनली रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और स्टोर कहाँ पे हो जाता है? एपिडिडाइमस में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्ड, दिस इज ऑल अबाउट योर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे डील कर ली हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी डील कर लिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को भी हमने डील कर लिया है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ। थैंक यू।